जरा रुको, हमारे पास ये कौन सी विशालकाय डिश है? ओ, इतना बड़ा बर्गर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अहमद अपना तुरंत खाने के लिए तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है और इससे उसकी भूख काफी बढ़ गई है। हालांकि कुछ केचप की जरूरत है। जबकि लिली अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है, अहमद थोड़ी शरारत के साथ आती है। क्यों ना इस कपड़े को उस बर्गर के ऊपर चीज की जगह डाल दे। यह मजेदार होने वाला है। ओ, वो उसके चाल में फंस गई। छोटी सी लड़की जो गुलाबी रंग में है, उसने उसकी ताकत को कम करके आंका और वह बर्गर टुकड़ों में बिखर गया। अब इसे साफ करने में तो बहुत समय लगेगा। एक शक्कर यकीनन बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा जरूर है। वहीं हमारी दूसरी प्रतियोगी के पास एक असली खजाने का टुकड़ा है। अब यही तो वह चीज है जिसका सपना सभी मीठा पसंद करने वाले देखते हैं। एमा का इसे शेयर करने की कोई योजना नहीं है और लिली घुटनों पर बैठकर कोई भीख नहीं मांग रही है। वो अपने छोटे हिस्से का यथासंभव आनंद लेगी। इसका फ्लेवर आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है, इसलिए लिली बहुत खुश है। पता नहीं एमा इतने बड़े शकर को कैसे खाने की योजना बना रही है। ओ, कुछ तो बताओ कि उसके पास कोई योजना है। मुझे तो डर है कि इस तरह से तो इस दौर में पूरे दिन लग जाएंगे। बोरिंग या नहीं, एमा इसके लिए कोई भारी भरकम उपकरण लेकर आई है। अच्छी सोच है। वाह, अब इसे तो कोई आविष्कार कह ही सकते हैं। हालांकि जरा रुको, यह कैसी गंध है? ओ, उसकी जीभ ठीक तो है? उसे जरूर दर्द महसूस हो रहा होगा। लिली, अपने दोस्त को बचाओ जल्दी। और एक बाल्टी पानी और एमा की जीभ ठंडी हो गई। हाँ, कभी कभी बहुत जल्दी करना अच्छा नहीं होता। जरा रुको, हमने कोई कैक्टस ऑर्डर नहीं किया है। यह खाने वाली चीज नहीं है और यह भयानक कटीले भी हैं। अब समय है कुछ उपाय लगाने का। अच्छी बात है कि एमा किसी भी बात को जल्दी सोच लेती है। बिना कांटों की यह पौधा बेहतर दिखता है। ओ, पर इसका स्वाद अभी भी बहुत खराब है। लिली और भी बेहतर तरीके के साथ आती है। ऐसा लग रहा है कि वह बिल्कुल ताजा हो गई है। अब आगे बढ़ते हुए, गम कैक्टस से हजार गुना बेहतर होता है। इस चीज से हर किसी को प्यार होता है। ये दोनों भी कोई अपवाद नहीं है। एमा पहले ही अपने रोल को खोल चुकी है और अपने काम पर लग चुकी है। हम सभी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब यह एक बहुत बड़ा बबल बनने जा रहा है। खैर, वह तब तक था जब तक कि लिली की नजर उस पर नहीं पड़ी थी और बूम। एमा अब कुछ कुछ मॉन्स्टर की तरह दिख रही है। ठीक है लिली, हमें दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला है। क्लासिक गुलाबी बबल गम, सबसे अच्छा। एमा यह भूली नहीं है कि उसके बबल के साथ क्या किया गया था और उसे बदला लेने के लिए एक दुष्ट योजना मिल गई है। जबकि लिली अपने गम को चबाने में व्यस्त है, वहीं एमा यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि इस सब का भव्य समापन कैसे होगा। ओ, यह कुछ ऐसा है जिसे आप रोज नहीं देखते। तुम्हारी यात्रा शुभ हो लिली, बाद में मिलते हैं। तैयार हो जाओ लड़कियों, इन होठों को देखो। क्या एमा ने इतने बड़े होठों का सपना देखा था? पता नहीं उसे इतने बड़े आकार का चाहिए या नहीं। हालांकि अभी अद्भुत रूप से स्वादिष्ट है, उंगली चाटकर खाने जितना स्वादिष्ट। ओ, और इसके अंदर एक सरप्राइज फिलिंग भी डाली गई है। मैं बस सोच सकती हूँ कि यह कितना स्वादिष्ट होगा। एमा को तो यह कमाल का लग रहा है। लगता है कि स्ट्रीट के साथ कुछ परिणाम भी आए हैं। अच्छी मूछ है एमा, वास्तव में यह उस पर बुरा नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है? लिली को बहुत मजा आ रहा है, पर एमा को मजाक बनना पसंद नहीं है। निराश मत हो दोस्त, अपने गुस्से में वह बगल में बैठी हुई लड़की पर हमला करती है। कुछ
कुछ भी जो उसके ऊपर से ध्यान हटा दे। एमा इस हद तक गई कि उसके सिर के ऊपर सिरप गिरा दी। कितनी असिस्ट है वह, कितना चिपचिपा है। अब खेल उल्टा पड़ गया और एमा वापस से खुश है। मैकरोन्स, ओ मुझे तो बहुत ही जलन हो रही है इस समय, यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। जैसा कि आप कह सकते हैं, लिली इस हल्की और कुरकुरी चीज की बहुत बड़ी प्रशंसक है। इसके तो वह 100 भी खा सकती है, पर इसके वजह से वो एमा के साथ कोई शरारत करने से नहीं रुकेगी, जो उसके चाल में हर बार फंस जाती है। आंखें बंद करना उसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ लिली लगभग पकड़ाने ही वाली थी। अब वो होने ही वाला है, उस काली मिर्च का स्वाद उसे किसी भी समय परेशान करने ही वाला है। ओ, जैसा कि मुझे लगा था यह तीखी जलन। प्यार और चुनौती में सब कुछ जायज है एमा, इसे ही खेल कहते हैं। वाह, अब यह कुछ असामान्य सा है। चलो इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, यह किसी तरह का गमी शीट की तरह दिख रहा है, पर यह है क्या? एमा यह देखने जा रही है कि उस बैग में क्या है जो उसे मिला है। यह तो कुछ अलग ही होने वाला है। यह एक पॉप रॉक का विशाल पैकेट है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉप रॉक को उस शीट पर छिड़क कर उसे रोल करने की योजना है। बहुत बढ़िया, अब यह एक विस्फोट, मजेदार और स्वादिष्ट। लिली अपने दोस्त के प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार है, पर एमा उसके किसी भी काम को आसानी से नहीं होने देगी। लिली जितना चाहती थी उससे थोड़ा ज्यादा। उप्स लिली, तुम इसमें से थोड़ा हटा सकती थी। बहुत ज्यादा शक्ति एक अच्छा विचार नहीं है। ओ, शुक्र है कि उसका चेहरा अभी भी एक टुकड़े में है। उफ, बाल बाल बच गई। एमा, यह मजाक तो खतरनाक रूप ले लिया। अगली बार सावधान रहना। खेल जारी है और हमारी प्यारी लड़कियों को आगे मिली है बहुत ही दिलचस्प बोतलें। बच्चे केवल इस तरह की मीठी कैंडी फ्लेवर से भरी हुई बोतलें पाने का सपना ही देख सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा लग रहा है कि उस बोतल से पीना विशेष रूप से अच्छा नहीं है। ओ, लिली अब एमा के चिढ़ाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपनी बोतल को पकड़ लेती है और पिचकारी की तरह उपयोग करते हुए एमा के ऊपर वो मीठा धार छोड़ती है। चलो अब शांत हो जाओ। और अब अंत में कोला दो रंगों में, गुलाबी, यह तो निश्चित है कि यह नया है। पर लिली को इसको आजमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो साधारण वाले का एक घूंट लेना चाहती है। एमा अंत में पूरी तरह से भींग चुकी है, बस हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। एमा पहले अपनाए गए चाल का इस्तेमाल करेगी। अब डेजर्ट सबके लिए है। मुझे लगता है कि एक चुनौती की शुरुआत है और मुझे यह बहुत पसंद है। तरबूज, तुम भाग्यशाली हो, मुझे यह बेकार का नींबू मिला है। यह फिर भी एक खाली प्लेट से बेहतर है। क्या मिला? ओह, उम्मीद मत छोड़ो, ऊपर देखो, यहाँ तुम्हारा डिश आया। तुम्हें मजा आ रहा है? इसके बदले तुम्हें मुझ पर दया आनी चाहिए। ब्रोकली सबसे खराब होता है। यह लो जैक, और हंसना है तुम्हें? ओह, इसे चोट लगती है, पता है ना? बातें कम करो और अपना खाना खाओ। इतना खट्टा, मुझे नींबू से नफरत है। बेचारा जैक, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अद्भुत तरबूज मिला है।
हम यह पता लगाने वाले ही हैं कि वास्तव में कितना स्वादिष्ट है। अरे वहाँ क्या है? कहाँ? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब है। छी नहीं। अरे तुम्हारी नाक को क्या हुआ? यह पूरी तरह से लाल है। तुम्हारे नाक भी नहीं बचे हैं हालांकि। वाह, मैं फिर से भाग्यशाली हूँ। ये स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। oh, no. अचार सच में अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है सबसे बढ़िया और मीठा क्या है? हनीकॉम्ब। यह स्वादिष्ट शहद से भरा हुआ है। तुम कितने गंदे हो गए हो। मैं इससे थोड़ा सा ले लेती हूँ। मुझे यकीन है कि पूरी तरह से स्ट्रॉबेरी के साथ जा रहा है। हाँ, मैं सही थी। काश मुझे भी ताजे फल और शहद मिलता। यह अचार तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। छी, मैंने कर लिया। क्या वास्तव में इसे मुझ पर फेंकना जरूरी था? अरे यार, अब ये मुझसे चिपक गया है। ओह, इससे मुझे वास्तव में एक मजेदार आइडिया आया है। तुम दोनों ऐसी कुछ भी हिम्मत नहीं करना। हमने हिम्मत कर ली। अब ये सब तुम पर चिपक चुके हैं जैक। अरे अपने कानों को देखो, परिवर्तन जारी है। अरे नहीं, मुझे पता था कि मेरी किस्मत जरूर पलट जाएगी। और देखो मुझे क्या मिला है। चीजें मेरे लिए अच्छी हो रही हैं। मुझे मकई मिला है। खैर, मुझे तो कीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए तुम लोग जो चाहो बोलो, पर यह मेरे स्वाद का नहीं है। देखो कितना खट्टा है। छी। मैरी, हरा रंग तुम्हारे चेहरे को ढक रहा है। कोई बात नहीं, यह मेरा रंग है। मैं अपने आप को लाल रंग में डुबोने के लिए तैयार हूँ, अगर इसका मतलब है कि मैं इस मिर्च को छोड़ सकती हूँ। क्या ऐसा कोई विकल्प नहीं है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अभी भी अधिक लाल हो रही हो। वाह, गर्मी देना जारी रखो। यह सही है। हाँ, तुमने मेरे मकई को स्वादिष्ट पॉपकॉर्न में बदल दिया है। धन्यवाद। मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही थी। कौन परवाह करता है, इससे इसका स्वाद नहीं बदल जाएगा। अब यह आश्चर्यजनक है, इतना बड़ा शकर। हाँ, कैंडी चीज से बेहतर है, पर यह अभी भी एक कांटेदार कैक्टस की तुलना में 1 अरब गुना अधिक स्वादिष्ट है। माफ करना, तुम्हारी स्थिति तो बुरी है मेरी। ऐसा लग रहा है कि इस शकर को खा ही नहीं पाऊंगी। इसके लिए मुझे उपकरण निकालने की आवश्यकता होगी। नहीं, ऐसा मत करो। अब देर हो गई। ओह, ध्यान से, तुम इसे हर तरफ उड़ा रही हो। सब हो गया, अब इसे खाना आसान हो गया। हाँ? वाह, और इसे तो कैंडी से भरा गया था। स्वादिष्ट। क्या मैं भी अपनी चीज के साथ ऐसी आशा कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। M&M से बेहतर कुछ भी नहीं है, और यह चीज भी खराब नहीं है। मैं भी जल्दी से इस कैक्टस को खोलने की कोशिश करती हूँ, पर इसके लिए पहले इसके कांटे को हटाना होगा। यह तुमने क्या किया है मेरी? हम दोनों ही इंसान कैक्टस की तरह दिख रहे हैं। माफ करना, मुझे भी कैंडी लेना था, तुम तो समझ ही सकते हो। लड़कियों, एक नजर अपने हाथों की ओर डालो। वाह, हम रंगीन होते जा रहे हैं। इस बार हम सभी को वास्तव में कुछ अच्छा मिला है। कोई मजाक नहीं, हर किसी के लिए कैंडी।
मुझे यकीन है कि मेरा बहुत स्वादिष्ट होगा, पर इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। और यह रहा, पहले इसे खोल लिया और फिर इसके ऊपर कुछ जेल डाल दिया। ओह, यह खट्टा है। चलो देखें कि मैं अपने हिस्से को कैसे संभालता हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। आह, यह स्वाद का एक विस्फोट है। एक एक्सपर्ट से देखो और सीखो। हे भगवान, ये तो ज्यादा ही हो गया। दोस्तों, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ओह, सोडा सब कुछ ठीक कर देता है। मैं भी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। पानी और पानी। इस गति से तो हमारी त्वचा में से जल्दी कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। हाँ, तुमने सही कहा। वाह, पीला हैप्पी मील बॉक्स, लाजवाब। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। एक चीज बर्गर और कोक, इसे खाने का समय है। रिव्यू ऐसा आ रहा है कि यह बर्गर लाजवाब है और सोडा शानदार। अरे वाह, यहाँ तो एक सुनहरा आईफोन भी है। यह कमाल का है। अब तो सेल्फी लेना बनता है। काश मुझे भी कोई गैजेट मिल जाता। यह मेरा कोला और बर्गर है। मुझे लगता है अपनी खोज जारी रखने से पहले अपना खाना खा लेना चाहिए। ओ, यह सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। तो मेरा फोन कहाँ है? अरे वाह, मुझे तो उससे भी बेहतर कुछ मिला है। एक खूबसूरत अंगूठी कीमती पत्थर के साथ, और यह फिट भी हो गया। तो मेरे बक्से में मेरा क्या इंतजार कर रहा है? क्या, एक वेज बर्गर? ओह, कितने अफसोस की बात है। और मुझे तो सोडा भी डाइट कोक मिला है। उफ, क्या मुसीबत है। मैं एक बार खा कर देखती हूँ, शायद ये उतना बुरा ना हो। नहीं, यह बहुत खराब है। मेरा हो गया। मैं अपना उपहार देखना चाहती हूँ कि क्या मिला है। एक प्लास्टिक की हल्क। हल्क वास्तव में जो हमें मिला है उसके सामने कुछ भी नहीं है। बस अब बहुत हुआ। दोस्तों, क्या तुम लोग देख रहे हो? हाँ, हम पूरी तरह से रंगीन हो गए हैं। यह बहुत अजीब है। यहाँ तक कि हमारे बालों के रंग भी बदल गए हैं। बढ़िया है। और यह टेबल पर यहाँ क्या है? कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे आजमाने से पहले समय बर्बाद नहीं कर। पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा, पर मुझे यह पसंद आया। यह जरूर किसी तरह का एंटीडोट है। हम वापस सामान्य हो गए। अपने बारे में कहूँ तो मुझे यह रोमांच काफी पसंद आया। Awesome. कुछ मुझे बता रही है मेरे पास कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं है। इसके अंदर कुछ बहुत तीखा है। मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है। चलो चिंता मत करो, तुमने तो अभी तक खाया भी नहीं है। चलो तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तब तक मैं शुरू करती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ कि सिरिंज में क्या है। अरे, स्वादिष्ट बारिश। वाह, हाँ वो स्वादिष्ट था। अब मेरे लिए एक अच्छा ट्रीट भी इंतजार कर रहा है इस पैकेट के अंदर। अभी तो ये किसी तरह की पाउडर की तरह लग रहा है। ये पॉप रॉक्स है। कितना अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद आया। कितना मजा आ रहा है। मैं ये सारा एक बार में खाना चाहती हूँ, तब इसका असर और भी ज्यादा होगा। ओह, कितना अजीब। यह कुछ ज्यादा ही हो गया। इन पॉप रॉक्स में कुछ बहुत ही गड़बड़ है। हाँ, सच में तुम्हारी जीभ बहुत नीली हो गई है। हाँ, मदद करो।
हाँ, इस वक्त तुम्हारी नीली जीभ को ये सिरिंज ठीक कर सकती है। धन्यवाद यार, अब मुझे ठीक लग रहा है। मुझे तो लग रहा था मैं जिंदगी भर उस नीले जीभ के साथ ही फंस जाती। सूजी, अब तुम देखो तुम्हें क्या मिला है। पर मुझे पता है क्या है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके अंदर जो भी है बहुत तीखी होगी। मुझे बेशक चिप्स बहुत पसंद है, पर यह वाले मेरे लिए नहीं है। लेकिन खाना तो पड़ेगा। कितना बुरा, ओह मेरी जीभ तो लगभग पिघल ही गई है। नहीं, मुझे बकवास नहीं खाना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर नियम तो नियम है, तुम्हें करना ही होगा। उफ, ठीक है, पर आग लगेगी तो तुम्हें ही बुझाना होगा। जय, सब तुम्हारी गलती है। ओह ओह, मुझे पता है कुछ बुरा होने वाला है। अजीब है, वो कितने देर से गई हुई है। लगता है वो आ रही है। ओह, मैं पहुंच गई। वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और खतरनाक फ्लाइट थी। तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे शांत हो जा जैस, मजेदार तो था ना। वाह, देखती हूँ मुझे क्या मिला है। किसी तरह के मगरमच्छ की तरह लग रहा है, प्यारा है, पर इसके साथ मैं क्या करूं? आउच! कितना अच्छा, एकदम असली के जैसा। सूजी, मेरा मगरमच्छ तुम्हें काटने आ रहा है। मैं बिजी हूँ, मुझे अपना ढक्कन उठाना है। तुम्हारा ढक्कन इंतजार कर सकता है, यह मगरमच्छ तुम्हें काटने आ रहा है। पकड़ लिया। ओ, कितना दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे मत छुओ, और अपना मगरमच्छ यहाँ से हटाओ। वाह, लगता है कि यह सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं है। बाहर से मगरमच्छ, पर अंदर से स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मेरा लॉलीपॉप नहीं, यह मेरा है, तो मैं ही इसे चाटूंगी। अब तुम देखो उस ढक्कन के नीचे क्या है। अरे हाँ, मेरे लिए भी कुछ स्वादिष्ट इंतजार कर रहा होगा। उफ्स, यह कुछ खाने के लिए नहीं है, यह एक बटन है। शायद मैं अगर इसे दबाऊं फिर कुछ अच्छा आ जाए। यह क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। यह क्या है? सब कुछ इतना अजीब क्यों है? देखो कुछ तो आया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो? लगता है कुछ बहुत ही खतरनाक है। उसने कहा कि मैं इसे सिर्फ ग्लव्स पहनकर खा सकती हूँ। अजीब है कि इसे छू नहीं सकते पर खा सकते हैं। तो खाओ ना, मुझे बताओ कैसा है। किसी वजह से मुझे उतनी भूख नहीं लगी है, पर आशा है कि कुछ मीठा हो। ओके। यह क्या, इतना खट्टा। मुझे खट्टे कैंडी बहुत पसंद है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं खा लूं। मुझे वो पसंद आया, मुझे और कैंडी चाहिए। ओह जेस, तुमने इतने सारे क्यों खा लिए? अजीब लग रहा है, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। मुझे कुछ हो गया है। हाँ, क्योंकि तुमने पूरा एक डब्बा कैंडी खाया है। मुझे जल्दी खुद को ढकना होगा कि मुझे कुछ हो ना जाए। देखो, कैंडी ने तो मेरी कुर्सी में छेद बना दी, तो पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होगा। मैं टॉक्सिक वेस्ट अब कभी नहीं खाऊंगी। या क्या, मुझे एक टॉयलेट मिला है, पर क्यों? और मेरे पास गमी आंखें हैं, और सिर्फ एक नहीं, काफी सारे। ये बहुत बढ़िया है, पर मैं इस टॉयलेट के साथ क्या करूं? बाद में सोचना, मैं अपनी ट्रीट खाती हूँ। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि यह कितना स्वादिष्ट है। अंदर कितना सिरप है, ये कितना मीठा है, और गमी भी बहुत अच्छे हैं। देखो, इसे सिर्फ खाया ही नहीं बल्कि इसके साथ खेला भी जा सकता है। वैसे और मजा आएगा अगर मैं यह सब एक बार में खा लूं।
वाह वाह, क्या वो सच में इतना स्वादिष्ट है? हाँ, पर बहुत सारे थे, मेरे गले में फंस गया है, मदद करो। क्या, मैं मदद कैसे करूँ? अरे हाँ, अगर कुछ फंस जाए तो प्लंजर हमेशा काम आता है। वैसे आमतौर पर इसे दूसरी स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। हो गया, मैंने तुम्हें बचा लिया। हाँ, और मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। अब तुम भी अपना टॉयलेट खाओ। वैसे भी वो है क्या? हाँ, अब समय आ गया है ये पता लगाने का। टॉयलेट पता नहीं क्यों जरूरत पड़ेगा, पर इस लॉलीपॉप की तो मुझे जरूरत है। यह हमेशा जरूरत पड़ते हैं अगर कुछ स्वादिष्ट खाने का मन हो। चुपा चुप कमाल का होता है। अच्छा है कि मेरे पास एक और था। अरे वो कहाँ गया? जैस, वो मुझे दो। लालची, मुझे एक लॉलीपॉप भी नहीं खाने दिया, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था, चोर। और इस टॉयलेट के अंदर ये पाउडर को लगा के देखती हूँ। यह खट्टा है, इससे यह चुपा चुप और भी मस्त हो गया। सूजी ने मुझे अपना लॉलीपॉप नहीं खाने दिया, पर कम से कम मैं उसका पाउडर खाकर देखूंगी, जरूर स्वादिष्ट होगा। ओह माफ करना, ये मैंने क्या कर दिया? चिंता मत करो, मैं जल्दी से तुम्हारी उंगली तुम्हारे नाक से निकाल दूंगी। वैसे ये मेरी गलती है तो मुझे करना ही होगा। उफ, कितना मुश्किल है ये। धन्यवाद, मैंने कहा था ना कि मैं जरूर मदद करूंगी। हाँ, तुम तो मेरी एकदम सच्ची दोस्त हो। क्या मैं ढक्कन पहले खोल सकती हूँ? मुझे जानना है अंदर क्या है। वाह, क्या सरप्राइज है, इतने सारे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट फल है, इसलिए मैं ये सारे आराम से खा लूंगी। पर ऐसे खाना थोड़ा बोरिंग है, मुझे एक दिलचस्प तरीका सोचना होगा। हाँ, यह थी मेरी बेरी ट्रिक। पसंद आई जेस? हाँ, बहुत अच्छा। और सिर्फ एक ही नहीं, मैं जितने बेरी चाहूँ उतने पकड़ सकती हूँ। ये बहुत मजेदार है। वाह, सूजी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं एक स्ट्रॉबेरी ले लूं। बिल्कुल नहीं, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए वो बेरी वापस दे दो। तुम मेरी ट्रीट लेना चाहती थी, तुमने हिम्मत कैसे की? मुझे बस कुछ स्वादिष्ट खाना था। तो अपना ढक्कन खोल कर देखो, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। अरे हाँ, बढ़िया आइडिया है। वाह, ये एक लॉलीपॉप है, कितना बड़ा और सुंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है? ये तो एक कॉकरोच है। ओह, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम इतना क्यों डर रही हो? अंदर का कॉकरोच हिल भी नहीं सकता है। तो खाओ, मैं मदद करती हूँ। कैसा लगा? कहा था ना कि कुछ डरावना नहीं है। हाँ, अब तो ठीक है। कॉकरोच, वो डंडे पर आ गया है। कहाँ? मुझे पता था ये बहुत बुरा होने वाला है। अब इस कॉकरोच को मेरा सामना करना होगा। अब मैं इसे मार कर रहूंगी। यह लो, ये तुम्हारे लिए है, यह लो। अरे, अब ये तो जूते पर चल रहा है। आखिरकार अब वो कॉकरोच गया। ये इधर है, इधर, एकदम मेरे सिर पर। मुझे बचाओ। हाँ, अगर तुम्हारा उस जूते से कुछ नहीं हुआ तो मेरे इस बड़े चप्पल से काम हो जाना चाहिए। अब तो कॉकरोच गया और तुम भी।